अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का हमारा मैसेज है तलावत में सुस्ती नहीं करनी, यानी कुरान पाक को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है और उसकी तलावत करनी है। इंग्लिश क्लास 3 यूनिट नंबर 8 एडवर्ब्स ऑफ मैनर प्लेस एंड टाइम पेज नंबर 41 ओपन कर लें। आज आपका टॉपिक है, आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज। आज हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर बी है, पिक आउट द एडवर्ब्स ऑफ मैनर। पिक आउट द एडवर्ब्स ऑफ मैनर, जैसे कि आप एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स प्लेस एंड टाइम को तफसीली से जान चुके हैं और पढ़ भी चुके हैं। मैंने आपको इसके बारे में बता दिया था। नाउ अब हमें एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ टाइम एंड एडवर्ब्स ऑफ प्लेस को सर्कल करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है उन्होंने, पिक आउट द एडवर्ब्स। एडवर्ब्स कहते हैं मावने फेल यानी इमदादी फेल को, ऑफ ऑफ मैनर, मैनर होता है तौर तरीका, ठीक है। अब हमने पिक करना है एडवर्ब ऑफ मैनर को और उसे सर्कल कर देना है। फर्स्ट है ए, अफजाल ईट्स ग्रीडीली। अफजाल ईट्स ग्रीडीली, अफजाल का मैनर क्या है? ग्रीडीली, यानी खाता तो हर कोई है लेकिन अफजाल ज़रा लालची होकर थोड़ा सा खाना खा रहा है, इसलिए अफजाल का मैनर क्या है? ग्रीडीली। सेकंड है, माई मदर स्पीक्स पोलाइटली। मेरी अम्मी नरमी से बोलती हैं या बात करती हैं, तो इसमें अम्मी का मैनर क्या है? पोलाइटली, यानी वो नरमी से बात करती हैं। थर्ड है, जमीला वॉक्स नाइसली। जमीला वॉक्स नाइसली, जमीला का मैनर क्या है? नाइसली। जमीला का मैनर क्या है? नाइसली। नेक्स्ट है, आंट नूरजहां शाउटेड एंगरली। आंट नूरजहां शाउटेड एंगरली, आंट नूरजहां का मैनर क्या है? एंगरली। क्या है? एंगरली। अब इसको सर्कल करें। नेक्स्ट है, ज़ीशान डज हिज वर्क केयरफुली। ज़ीशान डज हिज वर्क केयरफुली, ज़ीशान का मैनर क्या है? केयरफुली। इसको सर्कल करें। फिर देख लें एक बार, अफजाल ईट्स ग्रीडीली, ग्रीडीली को सर्कल कर दें। सेकंड है, माय मदर स्पीक्स पोलाइटली, पोलाइटली को सर्कल कर दें क्योंकि ये अम्मी का मैनर है। नेक्स्ट, इसी तरह जमीला वॉक्स नाइसली, नाइसली जमीला का मैनर है इसलिए इसे सर्कल कर दें। नेक्स्ट है, आंट नूरजहां शाउटेड एंगरली, आंट नूरजहां का मैनर है एंगरली, इसे सर्कल कर दें। नेक्स्ट है, ज़ीशान डज हिज वर्क केयरफुली, केयरफुली को सर्कल कर दें क्योंकि वो ज़ीशान का मैनर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी, पिक आउट द एडवर्ब्स ऑफ टाइम। पिक आउट द एडवर्ब्स ऑफ टाइम, पिक आउट द एडवर्ब्स ऑफ टाइम। अब हमने एडवर्ब्स ऑफ टाइम को पिक करना है। फर्स्ट है, अलीज़ा गेट्स अप अर्ली। अलीज़ा गेट्स अप अर्ली, अलीज़ा का टाइम क्या है? अर्ली। अलीज़ा का टाइम क्या है? अर्ली। अर्ली को सर्कल करें। सेकंड है, बिलाल टेक्स एक्सरसाइज डेली। बिलाल टेक्स एक्सरसाइज डेली, बिलाल टेक्स एक्सरसाइज डेली। इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है? बिलाल का डेली। क्या टाइम है बिलाल का? एडवर्ब ऑफ टाइम कौन सा है? डेली। डेली को
सर्कल करें। नेक्स्ट है अमजद गोज़ टू स्कूल लेट। अमजद गोज़ टू स्कूल लेट। अमजद का एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है? लेट। लेट को सर्कल करें, लेट को सर्कल करें। नेक्स्ट है आई हर्ट माई नी यस्टरडे। आई हर्ट माई नी यस्टरडे। इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है? यस्टरडे। क्या है? यस्टरडे। नेक्स्ट है वी शैल विजिट अवर आंट टुमारो। वी शैल विजिट अवर आंट टुमारो। इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है? टुमारो। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है? टुमारो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी पिक आउट द एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स कहते हैं मावने फेल यानी इमदादी फेल को, और प्लेस कहते हैं जगह को। क्वेश्चन है पुट दीज बुक्स देयर। पुट दीज बुक्स देयर। इसमें एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कौन सी है? देयर। एडवर्ब ऑफ प्लेस कौन सी है? देयर। नेक्स्ट है हैंग द पेल डाउन। हैंग द पेल डाउन। इसमें एडवर्ब ऑफ प्लेस कौन सी है? डाउन। डाउन को सर्कल करें। थर्ड है माई ब्रदर इज आउट। इसमें एडवर्ब ऑफ प्लेस कौन सी है? आउट। सर्कल करें। नेक्स्ट है द लिटल लैम फॉलोड इब्राहिम एवरी वेयर। इसमें एडवर्ब ऑफ प्लेस कौन सी है? एवरी वेयर। कौन सी है? एवरी वेयर, यानी जगह को। जगह कौन सी है? एवरी वेयर। तो आपने अब एवरी वेयर को सर्कल कर देना है। नेक्स्ट है आई पुट द डस्टबिन आउटसाइड। आई पुट द डस्टबिन आउटसाइड। इसमें एडवर्ब ऑफ प्लेस कौन सी है? आउटसाइड। आउटसाइड यानी बाहर, जगह। ये क्या है इसकी एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट है पेज नंबर 42 ओपन कर लें। क्वेश्चन नंबर ई है कंप्लीट द सेंटेंस विद द फॉलोइंग एडवर्ब्स। मावने फेल की मदद से या मदरजा ज़ैल मावने फेल को जुमलों में लगाकर मुकम्मल करें। कौन कौन से एडवर्ब्स दिए हैं उन्होंने, पढ़ लेते हैं। एल ओ यू डी एल वाई लाउडली, टी ओ टू डी ए वाई डे, एस डब्ल्यू डबल ई टी एल वाई स्वीटली, यू पी अप। नाउ लेट स्टार्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। टी एच ई द सी एच आई एल डी आर ई एन चिल्ड्रन, ए आर ई आर पी एल ए वाई आई एन जी प्लेइंग, एफ एल यू टी ई एस फ्लूट्स, डैश द चिल्ड्रन आर प्लेइंग फ्लूट्स। खाली जगह में हम कौन सा एडवर्ब लगाएंगे? स्वीटली। कौन सा? स्वीटली। नेक्स्ट है टी एच ई द ए डबल एस एफ आई एस इज बी एल ई ए टी आई एन जी ब्लीटिंग, डैश द एफ इज ब्लीटिंग। खाली जगह में अब हम कौन सा एडवर्ब लगाएंगे यानी कौन सा मावने फेल लगाएंगे? लाउडली। एल ओ यू डी एल वाई लाउडली। लाउडली ऊंची आवाज। नेक्स्ट है टी एच ई द जी आई आर एल गर्ल आई एस इज एल डबल ओ के आई एन जी लुकिंग, देखना, डैश द गर्ल इज लुकिंग, डैश यानी अब हम यहाँ पे कौन सा एडवर्ब लगाएंगे? यू पी अप यानी ऊपर की तरफ देख रही है। लड़की कहाँ देख रही है? ऊपर की तरफ देख रही है। नेक्स्ट है एस ए आर ए सारा एम यू एस टी मस्ट सी ओ एम पी एल ई टी ई कंप्लीट। कंप्लीट होता है मुकम्मल। एच आई एस हिस मीनूस का एच ओ एम ई होम
work वर्क घर का काम होमवर्क घर का काम डैश सारा मस्ट कम्प्लीट हिज होमवर्क टुडे क्या लिखेंगे टुडे कौन सा एडवर्ब लगाएंगे टुडे टी ओ टू डी ए वाई डे टुडे यानी आज थ्री क्लास उम्मीद है कि आपको इस लेसन की कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस की अच्छे से समझ आ गई होगी और आपने इसको अच्छे तरीके से अपनी बुक पर लिखना है और इसे याद भी कर लेना है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।